आपको बता दें कि देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में देखिए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट गई है। देखिए जो नेता है वो चुनाव प्रचार करने में लग गए। आपको बताते हैं कि प्रथम चरण में गया लोकसभा में मतदान होना है और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गया लोकसभा क्षेत्र में। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से गया लोकसभा क्षेत्र से जो महागठबंधन की तरफ से यानी कि INDIA की तरफ से जो प्रत्याशी है वो कुमार सर्वजीत है। ऐसे में देखिए कुमार सर्वजीत की सभा में जनसभा को संबोधित करने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ही देरों के बाद गया लोकसभा क्षेत्र की धरती पर पधारेंगे। देखिए किस तरीके से लोगों का एक जनसैलाब उमड़ा है इससे महागठबंधन की रैली में। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां तक आपका नजर जाएगा वहां तक सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे। आपको बताते चले कि जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक है और जहानाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव उनके नेतृत्व में इस जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है कुमार सर्वजीत के लिए यानी कि गया लोकसभा क्षेत्र में। और ऐसे में देखिए अभी आपको हम तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो मंच है जो स्टेज है वो बनकर तैयार हो चुका है। तमाम जो महागठबंधन के नेता है इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि जो गया लोकसभा क्षेत्र से जो महागठबंधन के यानी कि INDIA के जो प्रत्याशी है कुमार सर्वजीत। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कुमार सर्वजीत यहाँ पर बैठे हुए। आपको बताते चले कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक है सुरेंद्र यादव उनको उम्मीदवार बनाया गया। देखिए सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में ही इस पूरे कार्यक्रम यानी कि जनसभा का कार्यक्रम रखा गया। देखिए यहाँ पर लोगों का एक भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। कुछ ही देरों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गया लोकसभा क्षेत्र में पधारेंगे। हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाया गया था कि किस तरीके से कल कुमार सर्वजीत के लिए वोट मांगने के लिए जो तेजस्वी यादव थे और उनके साथ उनके सैनी भी थे कल भी गया लोकसभा क्षेत्र में आए थे और आज देखिए एक बार फिर से गया लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा जनसभा का कार्यक्रम सुरेंद्र यादव के द्वारा रखा गया है। तभी आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है ऐसे में तमाम जो सियासी पार्टियां हैं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट गई है। नेताओं के द्वारा प्रचार किया जा रहा है चुनाव प्रचार के द्वारा। देखिए कल गया लोकसभा क्षेत्र में कुमार सर्वजीत के लिए वोट मांगने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे और देखिए हम आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए आज किस तरीके से गया लोकसभा क्षेत्र में ही सुरेंद्र यादव के द्वारा जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं राजद के विधायक हैं और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं महागठबंधन का देखिए उनके द्वारा गया लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा जनसभा रैली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो वोट है वो लगाया गया। देख सकते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव माननीय विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार। दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत जो कि गया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के यानी कि INDIA गठबंधन के उम्मीदवार और देखिए कुछ ही देरों के बाद तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचेंगे। लोगों का एक भारी जनसैलाब हो रहा है लोगों का एक भारी जुटान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में जो यूथ है जो युवा है वो कहीं ना कहीं पहुंचे। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे हारे जो लोग हैं 2014 में हारे फिर 2019 जहां तक आपका नजर जाएगा उनके वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नहीं है कि वो यहाँ के सांसद बने। आपको बताते चले कि कुछ ही देरों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोकसभा क्षेत्र की धरती पर पधारेंगे पहुंचेंगे कुमार सर्वजीत के लिए वोट मांगेंगे। देखिए कितने संख्या में लोग हैं वो आपको बार बार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफी संख्या में जो लोगों का जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है।
भारी संख्या में लोग हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। और देखिए कुछ ही देरों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कल भी तेजस्वी यादव यहीं पर थे। आपको बताते चले कि प्रथम चरण में गया लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, ऐसे में 19 तारीख को मतदान। ये देखिए किस तरीके से ये राजद के कार्यकर्ता है, समर्थक है, लालू यादव के चाहने वाले लोग हैं। देख सकते हैं किस तरीके से रैलियों में एक जन सैलाब उमड़ा। देखिए किस तरीके से पूरे बॉडी पर ललटेन का चित्र बनाया गया है, राजद लिखवाया गया। देखिए किस तरीके से लालू यादव के ये फैन है, तेजस्वी यादव के फैन है, राजद के समर्थक है, राजद के कार्यकर्ता है। आपको बताते चले कि 19 तारीख को गया लोकसभा सीट पर मतदान होना है। 19 तारीख को जो प्रत्याशी मैदान में है उनका जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। और देखिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भारी संख्या में जो लोगों का तादाद है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, लोगों का एक जनसैलाब उमड़ रहा है। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो भोजपुरी गायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं कुमार सर्वजीत के लिए वोट मांगने। कुछ ही देरों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुँचेंगे। महागठबंधन के तमाम जो नेतागण हैं वो देखिए मंच पर मौजूद हैं, यानी कि इंडी गठबंधन के जो नेतागण है वो मौजूद है। और कुछ ही देरों के बाद तेजस्वी यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ है। देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा सभाओं में तेजस्वी की सभाओं में देखा जा रहा है कि जो यूथ है वो काफ़ी देखने को मिले। देखिए आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ यूथ यानी कि जो युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। और देखिए आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से कल भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुमार सर्वजीत के लिए वोट मांगने गया लोकसभा क्षेत्र में पहुँचे थे। और आज देखिए जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, राजद के विधायक हैं सुरेंद्र यादव, और जहानाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं। और देखिए आज सुरेंद्र यादव के द्वारा गया लोकसभा क्षेत्र में ही एक बड़ा जनसभा के रैली का कार्यक्रम रखा गया, जिस रैली के कार्यक्रम में शिरकत करने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ही देरों के बाद पहुंचेंगे। हमने आपको लगातार वो तस्वीरें दिखाया कि किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सभाओं में पहुँचे। गया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के यानी कि INDIA के गठबंधन जो है उस गठबंधन से कुमार सर्वजीत उम्मीदवार हैं। और देखिए कुमार सर्वजीत के लिए वोट मांगने के लिए तेजस्वी यादव आज एक बार फिर से गया की धरती पर आने वाले हैं। देखिए हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव की सभाओं में कल भी भारी भीड़ देखने को गया में मिला, और आज भी भारी संख्या में लोगों का जो भीड़ है, एक जनसैलाब है, वो कहीं ना कहीं उमड़ा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े।